मुझे किससे कहानियों से डर नहीं लगता साहब, मुझे जिंदगी की असलियत से डर लगता है। कहते हैं कहानियों से ज्यादा डरावनी असल जिंदगी होती है। दुनिया में रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम जानते तक नहीं है। रोज होने वाली इन चीजों में कुछ इतनी अच्छी है तो कुछ इतनी भयानक जो आपके रातों की नींद भी उड़ा सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर के आए हैं जो बेंगलुरु की रहने वाली शाकिरा खलीली की मौत पर है। इंडिया टुडे ओरिजिनल और अमेजन प्राइम वीडियो ने मिलकर डॉक्यूमेंट सीरीज तैयार की है जिसका नाम दिया है डांसिंग ऑन द ग्रेव। कुल मिलाकर के डायरेक्टर पैट्रिक ग्राहम की बनाई इस सीरीज में चार बच्चों की मां रही शाकिरा के अचानक गायब हो जाने की पूरी कहानी को दिखाया गया है। गायब होने के पीछे का सच अगर आप जानेंगे तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। महज 19 साल की उम्र में शाकिरा खलीली ने अकबर खलीली से निकाह किया। अकबर रुतबे वाले इंसान थे और उनकी जिंदगी में खुद की जगह शाकिरा ढूंढ नहीं पा रही थी। इतना ही नहीं बल्कि अकबर अक्सर काम के सिलसिले में ज्यादातर देश से बाहर रहते थे जिसकी वजह से शाकिरा के साथ उनकी शादी खतरे में आ गई। इस बीच शाकिरा की मुलाकात उस शख्स से होती है जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। शाकिरा खलीली की मुलाकात होती है स्वामी सिद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा से। सिद्धानंद ने शाकिरा खलीली की जिंदगी में अपनी मीठी मीठी बातों से ऐसा जहर घोला कि कुछ समय बाद शाकिरा ने अकबर को तलाक देकर के स्वामी सिद्धानंद से शादी रचा ली। लेकिन तलाक और नई शादी के चलते शाकिरा खलीली की चारों बेटियां अपने पिता के साथ रहने लगी थी और शाकिरा अपने मजहब के खिलाफ गई। इसी वजह से उनके सभी घर वालों ने उनके साथ किनारा कर लिया। लेकिन उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सबा, उनसे शाकिरा खलीली की रोज बात होती थी। अचानक कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि शाकिरा खलीली की सबा के साथ बात नहीं हो पाई। जब काफी समय बीत गया तो सबा ने स्वामी को कॉल कर शाकिरा से बात करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन स्वामी ने हर दिन एक नए बहाने के साथ इस बात को टालते रहे। परेशान होकर सबा ने अपनी मां के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई तो शिकायत के 3 साल बाद जो खुलासा हुआ वो दिल दहला देने वाला था। शाकिरा खलीली के मृत शरीर को उन्हीं के घर के बगीचे में दफन पाया गया। इसके बाद जो सच सामने आया वो हर किसी के होश उड़ा सकता है। साल 2005 में न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस महिला की हत्या हुई है उसने आरोपी पर भरोसा किया, उसे प्यार किया, उसे शादी भी की, लेकिन आरोपी यानी मुरली मनोहर शर्मा उर्फ सिद्धानंद ने महिला के भरोसे का दुरुपयोग किया और महिला को जिंदा दफना दिया। कुल मिलाकर के इन तमाम सवालों के बीच में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि हमें अपनी हदों को लेकर कितनी हदें बांधनी चाहिए, क्योंकि अपराध की दुनिया में लगता तो ऐसा ही है कि शायद आप अपराध को छुपा पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा साक्ष्य आपको जेल के सलाखों के भीतर पहुंचा सकता है। जाहिर सी बात है इस प्रकार की वेब सीरीज को आपको देखना चाहिए ताकि जिंदगी की कुछ हकीकतें आपको एक नया मुकाम दे सके। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।